जी नमस्कार, आप सभी को राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, बात करेंगे बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए एक और शानदार मॉडल पेपर की, और ये मॉडल पेपर रहने वाला है राजस्थान सामान्य ज्ञान का। दोस्तों, आप सभी से एक निवेदन रहेगा, आप क्लास के आखिर तक जुड़े रहेंगे। और आप सभी को ये तो पता ही है कि अपनी राजस्थान 360 के नाम से आपकी अपनी एप्लीकेशन यानी ऐप है, राजस्थान 360 के नाम से। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्स, देखो फ्री कोर्स भी अवेलेबल करवाया हुआ है और पेड कोर्स भी अवेलेबल करवाया हुआ है। जैसी आपकी इच्छा हो वैसे डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं, बेहतरीन है, ज़रूर देखिएगा। और आप अगर ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप अपना नाम और ज़िला लिखकर मैसेज कर सकते हैं। तो शुक्रिया, आज की क्लास को एक बेहतरीन क्लास होने वाली है। राजस्थान में कौन सा स्थान ब्लू पॉटरी के लिए माना जाता है या जाना जाता है? तो जयपुर को लॉक करेंगे आप लोग, ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे आपसे कई बार सवाल किया जाता है कि कृपाल सिंह शेखावत जो है ना, कृपाल सिंह शेखावत किस पोट्री से या फिर कला से संबंधित थे? तो इन्हीं इसी कला से संबंधित थे, जिन्हें राष्ट्रपति अवार्ड भी दिया गया है। अगला सवाल है कि अक्षय तृतीया कब मनाई जाती है? ये सवाल अभी अभी के एग्ज़ाम में पूछा गया है। आपको अगर याद नहीं हो तो सेकंड ग्रेड का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था अक्षय तृतीया कब मनाई जाती है। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन बी, वैशाख शुक्ला तृतीया को मनाई जाती है। ऑप्शन बी को आपने लॉक करा है। अक्षय तृतीया को आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। आखा तीज को ही अबूझ सावे होते हैं दोस्तों, विवाह के अबूझ सावे, यानी जो जिसका कोई जो है ना मुहूर्त नहीं होता है ना, अबूझ सावे होते हैं, जिसमें अधिक बाल विवाह होने की जो है प्रथा रहती है, बाल विवाह होने की अधिक प्रथा है इसमें, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, जूनागढ़ किले का निर्माण करवाने वाला था कौन था? यानी जूनागढ़ किला है कहाँ पे अपने राजस्थान में? बोले सर बीकानेर में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो राय सिंह ने करवाया था, इनका जो मंत्री था करमचंद के सहयोग से। ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था, मैं हर एक के साथ में आपको आंसर बताऊंगा। बीकानेर के कौन से शासक को उसकी वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने माही मरातिब या माही भरातिब की उपाधि दी थी? तो यहाँ पे अनूप सिंह करें या कर्ण सिंह करें या फिर राव सूर सिंह करें, कौन सा करें बताओ? ये कट कर देता हूँ मैं आपके कहने पर। सर एक और कट करो। अच्छा एक और करें क्या? चलो ये सूर सिंह भी कट कर लेते हैं, आप बताओ कर्ण सिंह या अनूप सिंह? बोले सर अनूप सिंह ही होगा राइट आंसर, माही भरातिब की उपाधि इनको दी गई थी। इंपॉर्टेंट सवाल है, अनूप सिंह ने अनूप विलास लिखा था। डूंगरपुर राज्य में गोहिल राजवंश का संस्थापक कौन था? देखो डूंगरपुर राज्य में गोहिलों की शाखाएं बताई गई है 24। कितनी बताई गई है? 24। तो उनमें से एक डूंगरपुर भी है, जो कि ये भी एक महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो होगा उदय सिंह। देखो डूंगरपुर की स्थापना और करी किसने? उदय सिंह ने। तो कन्फ्यूजन वाला सवाल तो है ही है ना। हालांकि उदयपुर से अगर आपसे पूछा जाए कि मेवाड़ का शुरुआत में किसने करी, तो गुहादित्य कह लो। अगर गुहादित्य या गोहिल ऑप्शन में नहीं हो तो बप्पा रावल कह लो, है ना। नेक्स्ट सवाल है, गणेश्वर की सभ्यता कहाँ पर स्थित है? यानी गणेश्वर सभ्यता जो है ना ये कहाँ पर स्थित है? मैं आपको सीधा सा बताऊँ, गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना में। बोलो नीम का थाना में। अच्छा नीम का थाना कहाँ पर? बोले सर सीकर में है। ठीक है, ये सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो कांतली नदी के किनारे। इसका उत्खनन किसने करवाया? तो आरसी अग्रवाल ने करवाया। अब बताओ ये कैसी है? ये ताम्रयुगीन संस्कृति की जननी कहा जाता है, यानी ताम्रयुगीन सभ्यता है। तो बहुत सारे जो सवाल बन जाते हैं, और यहाँ पे आपने लॉक कराया ऑप्शन डी को, बहुत बढ़िया। अगला सवाल है, उदयपुर राज्य में डाकन प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया? यह आपसे सवाल किया जा रहा है। तो राइट आंसर होगा 1853 में लगाया गया था। देशी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त तो राजस्थान का हिस्सा नहीं थी। देखो 25 मार्च 1948 को दूसरा ये था, है ना, क्योंकि 18 मार्च को पहला था चरण, दूसरा चरण था 25 मार्च को। तो इसमें कौन कौन सी रियासत हिस्सा नहीं थी? बूंदी नहीं थी, उदयपुर नहीं था, प्रतापगढ़ नहीं था या शाहपुरा नहीं था? बोले सर बूंदी। हाँ क्या करें लॉक बताओ? ये उदयपुर को लॉक करेंगे भैया, ऑप्शन सी आप सभी का
राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान प्रवर्तित विद्या प्रचारिणी सभा के, देखो ये एक महत्वपूर्ण सवाल है और यहाँ पर ये सवाल जो है ना पूछा गया है कई बार एग्जाम में भी, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा वो होगा विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक को भूप सिंह के नाम से भी जाना जाता था। ये वैसे रियल में कहाँ से, यूपी से थे, लेकिन वे अपनी क्रांतिकारी भावना लेकर जो आए थे वो राजस्थान में लेकर आए थे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817-18 अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चार्ल्स मेटकॉप को लॉक करेंगे। एक बेहतरीन सवाल था। परमवीर चक्र विजेता शैतान सिंह संबंधित थे? परमवीर चक्र विजेता शैतान सिंह संबंधित थे, तो यहाँ पे ये थे जोधपुर से संबंधित, यानी ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। अच्छा सवाल था। राजस्थान की किस ऐतिहासिक धरोहर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है? तो याद रखना जंतर मंतर वेधशाला को। देखो वैसे आप सबको पता होना चाहिए कि हवेलियाँ जो है ना ये जैसलमेर की, तो जैसलमेर में ही है। सरिस्का पैलेस कहाँ पे, अलवर में है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, जंतर मंतर कहाँ पे है, सभी को पता ही है ना, जयपुर में है, जयसिंह ने निर्माण करवाया था 1734 में। पछेवड़ा संदर्भित है, पछेवड़ा किससे संदर्भित है ये आपको बताना है, बताइए। बोले सर परिधान, पछेवड़ा एक परिधान है, एक वेश है। ठीक है, ओके। अगला सवाल है, गरासिया जनजाति में संबंधित लोक नृत्य शैली कौन सी है? गरासिया जनजाति से संबंधित जो है ना वो ग्वालर है, तेरह ताली नहीं है, चरी भी नहीं है, गुजर का है, गवरी भी नहीं है, ये भीलों का है। वालर को घूमर कहा जाता है, गरासियों की घूमर, ये आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित और हाँ बिना किसी वाद्य यंत्र के ये लोक नृत्य किया जाता है, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली ठप नहीं है, यानी कि ठप नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका अहिरवाटी, यानी ऑप्शन ए को आपने लॉक करा। राजस्थान की किस नदी को स्थानीय भाषा में वन की आशा कहा जाता है, बताइए। राजस्थान की किस नदी को स्थानीय भाषा में वन की आशा कहा जाता है? तो बनास को कहा जाता है वन की आशा, है ना, इसको और भी नाम से जाना जाता है वर्णाशा, है वर्णाशा, बनास। चलो बहुत बढ़िया, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ये बारहमासी नदियों में गिनी जाती है ये राजस्थान की। अगला सवाल है, निम्नलिखित राजस्थान के जिलों में से कौन सा एक अति आद्र जलवायु प्रदेश का भाग है? अति आद्र कौन सा करे बताओ, बारह कर दे क्या? बिल्कुल सर करना ही पड़ेगा। चलिए झालावाड़ है जैसे, बारह है ना। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है? कर्क रेखा दो जिलों से होकर गुजरती है, एक तो भैया डूंगरपुर से गुजरती है और दूसरी बांसवाड़ा से गुजरती है। सबसे नीचे की बात करें तो बांसवाड़ा है और डूंगरपुर है ना, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है। निम्नलिखित झीलों में से राजस्थान की कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती? 69 का राइट आंसर आप सभी का क्या होगा बताओ। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भोपाल सागर। भोपाल सागर को लॉक करेंगे। ठीक है, और हम बात करें तो भोपाल सागर झील है कहाँ पे, ये आपको बताना है, कमेंट करके बताइए भोपाल सागर झील कहाँ पे, और इसका आंसर भी आप लोग देंगे ही देंगे। बोले सर भोपाल सागर तो चित्तौड़ में है ना, आना सागर आपके अजमेर में है, पुष्कर भी अजमेर में है, फतेह सागर भी अजमेर में है, नहीं फतेह सागर अजमेर में नहीं है, तो कहाँ पे कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ कि फतेह सागर झील कहाँ पर है। चलो, नाल हवाई अड्डा अवस्थित है दोस्तों, नाल हवाई अड्डा कहाँ पे है? बोले सर बीकानेर में। ठीक है, निम्न में से कंजरों का नृत्य नहीं है बताओ, मछली चकरी शिकारी धाकड़। देखो साहब, शिकारी और चकरी में आप लोग कई बार कन्फ्यूज़ होते हैं, तो मैं आपको बता दूँ चक्री नृत्य जो है और शिकारी नृत्य है, इन दोनों में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। शिकारी नृत्य इसका नहीं है, ये सहरियाओं का नृत्य है। किसका है?
चक्री, देखो एक चीज है चरी, चरी किसका है, गुजरों का है, और चक्री किसका है, कंजर का है, ठीक है, और शिकारी सहरिया का है। तो ये आया याद रखने आपको, निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल चक्री के नाम से भी जानी जाती है। वाह जी वाह, क्या बड़ा शानदार सवाल पूछा है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे आप लोग, मगरा भेड़ को। राजस्थान में गोलिया व हनोतिया में भंडार है। गोलिया और हनोतिया ये दोनों गांव हैं, और इन दोनों गांवों में किसके भंडार देखने को मिलते हैं, तांबे के भंडार देखने को मिलते हैं। हनोतिया गोलिया, याद रखना, गोलिया हनोतिया तांबा, गोलिया हनोतिया तांबा, ठीक है सब। राजस्थान में अधिकतम प्रशासनिक वन क्षेत्र निम्नलिखित श्रेणियों में किससे संबंधित है। तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, संरक्षित वन को लॉक करेंगे ऑप्शन ए को, सर्वाधिक है, 50 से भी ऊपर है ना। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, यानी सुमेलित कौन सा है बताओ। बांगड़ बूंदी, वागड़ बांसवाड़ा, भाकर सीकर गिरवा डूंगरपुर, एक ही है वो है वागड़ बांसवाड़ा। क्षेत्र अगर हाड़ौती दे देते तो बूंदी कर लेते, कोई दिक्कत थी नहीं। भाकर अगर दिया है तो सीकर नहीं, यहाँ पे सिरोही होगा। गिरवा यहाँ पे दिया है तो डूंगरपुर नहीं, उदयपुर होगा। तस्तुरीनुमा जो पहाड़ी है ना उसे गिरवा कहा जाता है, भाकर जो ऊबड़ खाबड़ है ना पहाड़ियाँ उसे भाकर कहा जाता है, वो सिरोही में प्रसिद्ध है, ठीक है याद रखिएगा। और बांगर की बात करें तो ये बीच में है, जैसे राजस्थान के मध्यम में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से फसल सफ़ेद सोना के नाम से जानी जाती है। तो इससे पहले भी हम लोगों ने ये सवाल पढ़ा था, कपास को कहा जाता है, और कपास सर्वाधिक होता है कहाँ पे, राजस्थान में हनुमानगढ़ में होता है दोस्तों, और कहाँ पे होता है, और गंगानगर में भी होता है। तो ये भी आपको याद रखना है, एक इम्पोर्टेंट सवाल है। अगला सवाल, राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान, ये एग्जाम में सवाल कई बार पूछा गया है, और कहाँ पे है, बीकानेर में है, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, और कहाँ पे है, जोहड़बीड़ में। आडवाना बांध राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। राइट आंसर आप सभी का होना चाहिए भीलवाड़ा में, आडवाना बांध भीलवाड़ा में है मेरे भाई, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे मरुगंगा कहा जाता है, निम्नलिखित में से किसे मरुगंगा कहा जाता है। 79 का राइट आंसर हो जाएगा मरुगंगा, इंदिरा गांधी नहर को कहा जाता है, पश्चिमी राजस्थान के लिए एक मरुगंगा के रूप में ही काम कर रही है, या गंगा के रूप में काम कर रही है, ये जो है IGNP है ना, याद रखना। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा कथन बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के विषय में सत्य नहीं है। महाराजा गंगा सिंह नरेंद्र मंडल भारतीय राजकुमारों का मंडल के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है सब याद रखेंगे। 1930 के प्रथम गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था, दोनों सही है। उनके शासनकाल में गजशाही सिक्के प्रारंभ हुए, नहीं साहब। 1913 में उन्होंने बीकानेर में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की, भी सही है। ऑप्शन सी या ऑप्शन तीन जो है वो है जो आपका गलत है। तो दोस्तों हमने कुल पढ़े हैं 30 क्वेश्चन, और 30 में से आपके कितने सही हुए हैं ये आप कमेंट करके बताएं। बाकी इसका आंसर आप लोग ज़रूर देंगे, जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया गया था किसके द्वारा, ये सवाल आज ही की क्लास में पढ़ा है हमने, और आपके लिए रिपीट हुआ है, आपके लिए एक बड़ी खबर है, बड़ी अच्छी बात है कि रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर भी आप लोग आसानी से देंगे। दोस्तों क्लास शेयर नहीं हो रही है ना, बाकी मैं मेरी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूँ, अगर आप क्लास शेयर नहीं करेंगे तो बात बनेगी नहीं भैया, रियली नहीं बनेगी, फिर एक दो क्लास और होगी और फिर वापस से बंद होगी। ऐसे में अगर आप लोग थोड़ी सी समझदारी दिखाते हैं तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों को, ताकि वे भी देखें, और क्लास थोड़ी 500-700 से ऊपर निकल जाए ना तो भी बहुत है। तो प्लीज़ थोड़ा ऐसा करें, शेयर करने की कोशिश करें, सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार हैं तो, और मैंने आपको बताया अगर आप ग्रुप में ऐड नहीं है तो इस नंबर पर मैसेज करके ऐड हो सकते हैं। ऑल द बेस्ट आप सभी को।